नमस्कार, वेब वार्ता में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा, वेब वार्ता में आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं वेब दुनिया के संपादक जयदीप कर्णिक जी। जयदीप जी, क्या भाजपा लोकसभा चुनाव परिणाम को विधानसभा में दोहरा पाएगी? मुश्किल है, ये भारतीय जनता पार्टी खुद भी देख चुकी है कि जिस तरह से लोग लोकसभा के चुनाव में वोटिंग करते हैं उस तरीके से विधानसभा के चुनाव में नहीं करते हैं। बिहार में उनको ये समझ में आ गया, दिल्ली में समझ में आ गया, सातों सांसद उनको मिल गए थे, लेकिन विधानसभा में उनकी बहुत बुरी हार हुई। जिस तरीके से लोगों का मतदान नगरपालिका में होता है, विधानसभा में होता है, लोकसभा में होता है, तीनों ही बहुत अलग तरीके से परिणाम देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये नोटबंदी जो ऐतिहासिक फैसला सरकार ने लिया है इस केंद्र की, उसके बाद कई नगर निकाय के परिणाम आए हैं जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में रहे अधिकतर, और माना गया है कि इससे नोटबंदी के फैसले पर मोहर लगी है। मेरा ये मानना है कि ये स्थानीय मुद्दे इस पर ज़्यादा हावी होते हैं और स्थानीय मुद्दों का ही प्रभाव होता है जिसकी वजह से इस तरह के परिणाम आते हैं। अभी विधानसभा के चुनाव में हम ये मान सकते हैं कि एक देश के भीतर जो लहरें पता लगेगी, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, 403 विधानसभा की सीटें वहाँ से आती हैं। उत्तर प्रदेश को देश में भी सरकार बनाने और बिगाड़ने वाला राज्य माना जाता रहा है। मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी पहले से बेहतर प्रदर्शन करने की उम्मीद कर सकती है, लेकिन लोकसभा के चुनावों का जादू विधानसभा में चल पाएगा ये सारे राज्यों ने साबित कर दिया है कि ऐसा संभव नहीं है। उसके लिए उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को अपने को संगठन स्तर पर मजबूत करना पड़ेगा। इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं 2014 में मई में, उसमें मोदी की लहर थी, मोदी जी की लहर का ही परिणाम था कि संगठन जमीनी स्तर पर मजबूत नहीं होने के बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी को अविश्वसनीय सफलता मिली है। लेकिन अब उस सफलता को पीछे छोड़कर कई सारे सबक भारतीय जनता पार्टी की झोली में है जो ये बताते हैं कि जमीनी स्तर पर संगठन मजबूत होगा तो ही पार्टी जीतेगी, अकेले अमित शाह हर जगह जाकर जादू नहीं कर सकते। यूपी में भाजपा ने मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार भी घोषित नहीं किया है, इसका क्या असर होगा? मुझे लगता है कि सचेत हो गई है भारतीय जनता पार्टी और किसी भी चेहरे को आगे करने से पहले वो कई बार सोच लेना चाहते हैं। दिल्ली में उन्होंने एक बड़ी गलती की कि बहुत समय तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया, फिर अचानक से किरण बेदी को उम्मीदवार बना दिया और उसका उनको खामियाजा भुगतना पड़ा, उनके परिणाम उनके पूरे खिलाफ गए और बरसों से जीती हुई सीटें भी उनके हाथ से चली गई, खुद किरण बेदी की बुरी तरह हार हुई। मुझे लगता है कि जब तक सरकार के स्थापित चेहरे उनके पास नहीं हो, जैसे मध्य प्रदेश में उनके पास शिवराज सिंह चौहान है, छत्तीसगढ़ में उनके पास रमन सिंह है, राजस्थान में उनके पास वसुंधरा राजे हैं, इस तरीके से अगर उन्होंने जब तक स्थापित चेहरा उनके पास नहीं है जो सरकार चला रहा है और जनता में लोकप्रिय, तब तक वो इस तरह की कोई भी अब जोखिम उठाना के मूड में दिखाई नहीं देते। राज्य में सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी की अंतर्कलह का उनकी जीत पर क्या असर होगा? ये मुझे लगता है कि सोची समझी कवायद है। ये समाजवादी पार्टी को फिर से जिताने के लिए ढूंढा गया एक टोटका है, एक नुस्खा है। मैं नहीं मानता कि मुलायम सिंह यादव जैसे नेता इतने सीधे सहज और सरल हैं कि इन चुनाव के वक्त पर इतनी बड़ी अंतर्कलह को इस तरह हो जाने देंगे। जिस तरह की पकड़ उनके ऊपर है, खुद उनका परिवार ही पूरी तरीके से शामिल है। पार्टी दरअसल परिवार की पार्टी है, कोई ऐसी पार्टी नहीं है कि जिसमें लोगों के अहम बड़े हो जाएं और आपस में टकराहट हो जाए, परिवार में भी होती है, लेकिन ठीक चुनाव के पहले अगर हुई है। मैं ये मानता हूँ कि उत्तर प्रदेश या तमिलनाडु ये सब इस तरह के राज्य रहे हैं जहाँ पर लगातार सरकार का पलटा होता रहा है, जिसको हम कहते हैं कि वो रोटी पलटते रहते हैं, कभी वो बसपा को जिताते रहे, कभी सपा को जिताते रहे। बसपा सपा की इस उलट पलट में इस बार राष्ट्रीय पार्टियाँ भी कुछ महत्व पाती हुई दिखाई दे रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के निश्चित तौर पर बहुत सारे मंसूबे हैं, महत्वाकांक्षाएं हैं। कांग्रेस ने भी मैदान पकड़ा है और कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो भी 26-28 सीटों का उनका छोटा मोटा वहाँ पर जमीनी योगदान है उसको वो किस तरह से बढ़ा ले। उसके लिए उन्होंने प्रशांत किशोर जैसे सलाहकार को भी लगाया है, राज बब्बर को मैदान में उतारा है, शीला दीक्षित को उतारा है। तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को कोई तो ऐसा तुरुप का पत्ता चाहिए था, कोई ऐसी तिकड़म चाहिए थी जिससे समाजवादी की पार्टी की उपलब्धियों की बात होने की बजाय कोई नई बात हो। तो अब बात ये हो रही है कि अखिलेश यादव एक विद्रोही हैं जिन्होंने परिवार से तक बगावत कर ली, लेकिन वो उत्तर प्रदेश का भला चाहते हैं परिवार से। अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव आयोग में जिस दमदारी के साथ मुलायम सिंह यादव को साइकिल के चुनाव चिन्ह के लिए और पार्टी पर अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी थी, उन्होंने क्यों नहीं लड़ी? तो मैं ये मानता हूं कि ये उन्होंने निश्चित तौर, और जनता भी समझदार है उत्तर प्रदेश की, वो इस सारे दंगल को उसी रूप में देख रही होगी। ये तय है कि बहुजन समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं उतनी ताकत से इस चुनाव में अपने आप की उपस्थिति नहीं पा रही है। ये भी तय है कि इस बार लड़ाई केवल सपा बसपा के बीच में नहीं है, जैसा कि उत्तर प्रदेश में पिछले लगभग 1.5 दशक में लगातार होता रहा है।
इस बार राष्ट्रीय पार्टियां भी अपना पूरा दमखम दिखाने को तैयार हैं। ऐसे में समाजवादी पार्टी को अपने वर्तमान मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि को चमकाने के लिए कोई ना कोई हथकंडा तो अपनाना था, और उन्होंने इस अंतर्कलह के हथकंडे को अपनाया है। ये कितना कारगर साबित होगा ये तो उत्तर प्रदेश की जनता अब हमको बहुत जल्द बताने वाली है। 11 मार्च को स्थिति साफ हो जाएगी, लेकिन अब जो मतदान होने वाला है उस दौरान समाजवादी पार्टी किस तरह का अभियान चलाती है, क्योंकि कुछ भी हो, चाहे ये सुनियोजित हो या ना हो, ये अपना आकलन है मेरा कि ऐसा शायद सुनियोजित तरीके से हुआ हो, लेकिन ऐसा नहीं भी हो, सचमुच सत्ता को सामने देखकर या कुर्सी की लड़ाई एक अचानक से ये सत्ता पर आ गई हो, समाजवादी पार्टी के चुनाव अभियान पर तो इसका परिणाम पड़ा ही है। चाहे जीत पर उसका प्रभाव पड़े या ना पड़े, समाजवादी पार्टी को जिस मजबूती से अपने चुनाव अभियान पर ध्यान देना था वो नहीं दे पाई है। ये खामियाजा उनको भुगतना पड़ सकता है। कितनी मजबूती से वो अब बचे हुए समय में चुनाव प्रचार करते हैं, चुनाव बहुत नजदीक आ चुके हैं, किस तरीके से मतदान के समय बूथ पर उनके कार्यकर्ता उपस्थित रहते हैं, इस बात पर निर्भर करेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता उनको फिर से चुनती है या नहीं चुनती। सत्ता की दौड़ में आप मायावती को कहां देखते हैं, क्योंकि चुनाव से ठीक पहले कई मुस्लिम नेता बसपा से जुड़े हैं। निश्चित तौर पर मायावती चुपचाप बैठने वाली नहीं है, सत्ता का सुख भोग चुकी हैं, वो चाहती हैं कि जैसा पलटा लगता आया है उत्तर प्रदेश में वो फिर से लग जाए। उनको ये भी पता है कि भाजपा और कांग्रेस उनका समीकरण बिगाड़ सकते हैं, वो कांग्रेस और सपा में होने वाले तालमेल को भी करीब से देख रही थी, लेकिन वो तालमेल हो ही नहीं पाया। जिसे महागठबंधन कहा जा रहा था वो फिसड्डी साबित हो रहा है, क्योंकि सीटों को लेकर बात बनी नहीं है। समाजवादी पार्टी की सूची आ गई है पहली, जिसमें कि कांग्रेस के जो मजबूत गढ़ हैं वहां पर भी उनके उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। इससे ये समझ में आता है कि ये गठबंधन तो काम नहीं करने का। मायावती के लिए इस वक्त अपनी जमीन को वापिस हासिल कर लेना बहुत बड़ी चुनौती है। जितनी आसानी से पहले सपा और बसपा के बीच में वोट परिवर्तित हो जाया करते थे पिछड़ी जातियों और मुस्लिमों की वजह से, वो इतनी आसानी से इस चुनाव में होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। धन्यवाद जयदीप जी, हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की। अगली बार फिर किसी नए विषय पर चर्चा करेंगे। नमस्कार।